अब जो अल्ट्रॉस मैं अभी यूज कर रहा हूँ, अगर आप हाँ नेचुरली एस्पिरेटेड चलाओगे तो कभी भी आप अल्ट्रॉस परचेज नहीं करोगे, कभी भी आप परचेज नहीं करोगे। हाय गाइस, तो आज हम अपनी गाड़ी का ड्राइव रिव्यू कराएंगे हिमांशु से। तो उनके पास अल्ट्रॉस है, तो अल्ट्रॉस ओनर आज ब्रेजा चलाएंगे, तो देखते हैं उनका कैसे एक्सपीरियंस रहता है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारी प्यारी सुंदर ब्रेजा, वहाँ कितनी अच्छी लगती है। तो चलते हैं ड्राइव रिव्यू में, मैं आपको हिमांशु जी से मिलवा देता हूँ। हिमांशु जी, आप प्लीज ट्रेन में आएंगे। हाय गाइस, तो हिमांशु जी अभी अल्ट्रॉस यूज कर रहे हैं। यस, अल्ट्रॉस और हमने अभी एक माइलेज टेस्ट भी करा है इसी ब्रेजा पे, और रिव्यू भी हुआ है, वो आपको इनके चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी मैं इनसे अपनी ब्रेजा चलवाऊंगा और देखते हैं इनका कैसे एक्सपीरियंस रहता है, इन्हें डीसी से अच्छी लगती है मैनुअल, मतलब कंपैरिजन में इजी टू ड्राइव लगती है या फिर टफ लगती है, देखते हैं। तो हम मिलते हैं अंदर गाड़ी के अंदर, बैठिए हिमांशु जी। तो हिमांशु जी चलाएंगे, हम पीछे बैठेंगे। बहुत कम इंस्टेंस होते हैं जब मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ अपनी। इससे पहले आपने हिमांशु जी चलाई है ब्रेजा? सो सहज, यस चलाई है मैंने ब्रेजा, डीजल में भी चलाई है, पेट्रोल में भी चलाई है। जी हिमांशु जी, सो ये सहज चलाई है मैंने। सो मैंने पेट्रोल डीजल दोनों में चलाई है, और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डीजल वन, क्योंकि वो मुझे बहुत अंडर पावर लगती है और बहुत ज्यादा उसमें लैग है यार, मतलब इतना ज्यादा लैग है उस डीजल में। उससे बेटर चलता है जो 1.3 लीटर 75 पीएस में आता है उनकी दूसरी कार्स में। सो ये बहुत लैगी है। ये तो पेट्रोल है तो इसमें आपको लैग नहीं मिलेगा, इसमें तो फील ही नहीं हो रहा कुछ भी। गियरबॉक्स अच्छा है यार कार का। तो अब आपको बिल्कुल हैबिट नहीं रही होगी मैनुअल कार चलाने की, क्योंकि आप डीसी चला रहे हो। काफी टाइम बाद कोई भी मैनुअल कार मैं अभी चला रहा हूँ। सो यार सी, ऑटोमेटिक इज ऑटोमेटिक, देयर इज नो रिप्लेसमेंट, मतलब ईज ऑफ ड्राइव है उसमें। और मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ओके, सो उस वजह से भी मेरा एक रीजन था, और मेरा भी मेरा जो प्रोफेशन भी है सो उसमें मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और सिटी ट्रैफिक में बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, लाइक फ्रॉम गाजियाबाद टू दिल्ली, दिल्ली टू गुड़गांव, नोएडा, ये सारी सिटीज में मेरा मेन ट्रैवल रहता है। तो उस वजह से मैंने एक ऑटोमेटिक एक ऑप्शन ऑप्ट किया था। तो आपको मतलब कुछ डिफरेंस लग रहा है हैचबैक, मतलब वो थोड़ी नीची चलती है, ये थोड़ी ऊंची चलती है? हाँ देखो, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो है ही। अब इसमें मैं बैठा हूँ तो काफी अच्छी एक पोजीशन पे बैठा हूँ, काफी ऊपर बैठा हूँ कार में, बोनेट में पूरा देख पा रहा हूँ जो मुझे कभी भी नहीं दिखता अपनी अल्ट्रॉस में। मैं भी देख पा रहा हूँ यहाँ से भी बोनेट गाड़ी का। और यार सी, मतलब मारुति का इंजन और टाटा का इंजन, जैसे मैंने भी अल्ट्रॉस चलाई है, मैंने डीसी नहीं चलाई है, वो मैं आपकी चलाऊंगा। सहज, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट गधे घोड़े का डिफरेंस है। अब जो अल्ट्रॉस मैं अभी यूज कर रहा हूँ, अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड चलाओगे तो कभी भी आप अल्ट्रॉस परचेज नहीं करोगे, कभी भी आप परचेज नहीं करोगे। बट जब से उसमें वो डीसी गियरबॉक्स आया है ना, सो उसकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी है ना, यू विल नॉट फील दैट मच वाइब्रेशंस इन द कार, और वो इंजन भी आपको उतना ज्यादा लेजी नहीं लगेगा। वो कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन, जितना ये स्मूथ चल रहा है और इन गियर जिस तरीके से कार पिक कर रही है, और वाइब्रेशंस नाम की तो कोई चीज नहीं है। ये ट्रू पेट्रोल कार है, ट्रू पेट्रोल कार, सो इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं है, नॉइस नहीं है। मुझे इसकी यही बेस्ट चीज लगती है कि ये बिल्कुल साइलेंट रहती है, फालतू का इसमें कोई शोर नहीं है, बस थोड़ी विंड नॉइस आती है जब आप हाई स्पीड पे आप चला के देखो, आप वो फील करोगे। करेक्ट यार, इसकी जो ये रेव की साउंड है ये बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो यस, ये स्पोर्टी फील दे रहा है। हाँ, ये वो वैसा आपके कानों में नहीं लगेगी आवाज, ये आपको अच्छा फील कराती है। सो सी, ये जो साउंड है ना, ये इसलिए भी आपको इतनी खराब नहीं लगेगी क्योंकि साउंड के साथ ना आप और वाइब्रेशंस फील नहीं कर रहे हो यार कार में। करेक्ट, जो एनवीएच लेवल्स है ना
वो बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल्ड है इतने बड़े इंजन होने के साथ, तो भी 1.5 लीटर इसमें आ रहा है, सो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा कंट्रोल में है सारी चीजें, तो ये भी एक रीजन है यार। मैं तो मैं फिफ्थ गियर में कार चला रहा हूँ 30 की स्पीड पे और कार नॉकिंग नहीं हो रही, नॉकिंग के नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस कार में। और आप जब रेव कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि इंजन पे कोई लोड आ रहा है? नो नथिंग। अब सी, अब मैं एक ऑटोमेटिक कार चला रहा हूँ, सो मुझे ऑलमोस्ट अल्ट्रॉस चलाते हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है। अब मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है, अब किसी के साथ भी ये होगी। सो ऑटोमेटिक कार में क्या है कि आपके पास सबसे पहले आपको गियर नहीं चेंज करना है एंड वो क्लच वाला सीन। हाँ, सो अभी मैंने वो गलती से बिना क्लच दबाए गियर बॉक्स का ये वो चेंज कर दिया। ओके, मैं न्यूट्रल में ले आया हूँ एंड दैट इज सो मच रिस्की। वो थोड़ा ये एक अलग हो जाता है, डिफरेंस है। वो चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक चलाई थी, तो वो गलती से आपको हैबिट हो जाती है फर्स्ट गियर डालने की, तो वो ड्राइव की जगह वो पार्किंग में चल जाती है डी से। और व्हाट आई एम फीलिंग ना कि स्टेबिलिटी, सो स्टेबिलिटी में कोई भी कंपैरिजन नहीं है दोनों कार्स की। सो अल्ट्रॉस की स्टेबिलिटी इज लाइक, मैंने ऑलमोस्ट, आप मुझसे पूछोगे तो मैंने उस सेगमेंट में सारी कार्स ड्राइव की हैं, उस लेवल की स्टेबिलिटी राइड हैंडलिंग किसी भी कार की नहीं है। सो अल्ट्रॉस से पहले मैं एस्पायर यूज करता था डीजल में, बट उससे बेटर राइड और हैंडलिंग मुझे अल्ट्रॉस में मिली है। तो उस पार्ट पे ब्रेजा पीछे है, फिट एंड फिनिश में ब्रेजा बहुत पीछे है। एंड आई अगेन वॉन्टेड टू यूज दैट वर्ड, गधे और घोड़े का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। अब ब्रेजा में यार सी, आपको कितने की पड़ी थी सैसी कार? ये 9 लाख की अप्रोक्सीमेटली। सो 9 लाख रुपीस आप खर्च कर रहे हो यार, और सी द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। अगर मैं ऐसे स्क्रैचेस इसमें शो होंगी, हाँ इसमें स्क्रैचेस वाला इशू है, ये साइड हैंडल्स भी जो होते हैं इन पे भी स्क्रैचेस आ जाती हैं बहुत इजीली, ये चीज मैंने भी नोटिस किया। एसी बहुत स्ट्रांग है कार का, इट इज जस्ट बिकॉज कि अब मैं जो कार यूज कर रहा हूँ उसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसमें मैनुअल है, तो ये मैंने सेट भी किया हुआ है इतने ज्यादा गर्म पे, तो भी कार बहुत ठंडी है। तो अब इतनी गर्मी भी नहीं है बाहर, बट तो भी एसी इज डूइंग गुड, फर्स्ट एक पॉइंट भी सेट है। और आपको कंफर्ट कैसा लग रहा है? कंफर्ट इज गुड, कंफर्ट इज गुड। सो ये जो कार में ये सीट्स की कुशनिंग है ना, ये हार्ड है थोड़ा सा। अब जैसे मुझे बैक की प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर मुझे ये प्रॉब्लम करी, बट उसके बाद आई गेट सेटल्ड ऑन दिस सीट। सो ये आपको अच्छे से पकड़ के रखते हैं, और ये जो आपने कुशन लगवाया है ना यार, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। सो और विजिबिलिटी आपको कैसी लग रही है कार की? विजिबिलिटी इज ऑल्सो गुड, विजिबिलिटी इज ऑल्सो गुड। साइड मिरर्स भी इसके काफी अच्छे हैं, मुझे बहुत कम कार्स के साइड मिरर्स पसंद आते हैं। सो टू नेम सम ऑफ देम, i20 के भी साइड मिरर्स अच्छे हैं, अल्ट्रॉस के भी काफी वाइड है और इसके भी वाइड है। बाकी तो अब सबने क्या किया है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे साइड मिरर्स ही खत्म कर दिए कार में से, तो ब्लाइंड स्पॉट सभी कार्स में। अब अल्ट्रॉस में आपने वो कभी फेस किया ब्लाइंड स्पॉट? अगर आपको लगा हो कि उसका ए पिलर उसमें आता है, ब्लाइंड स्पॉट आता है, द रीजन है उसके जो ए पिलर्स है ना वो बहुत बहुत ज्यादा बड़े हैं। हाँ, बड़े, तो उस वजह से वो ब्लाइंड स्पॉट आता है। तो कभी कभी मेरे साथ ये होता है, मेनली कट्स पे, या जैसे कभी भी कोई रोड आगे से खुली हुई है दोनों साइड से, तो मुझे कभी कभी ऐसे होके देखना पड़ता है। सो एक वो डिफरेंस इन दोनों कार्स में भी है, सो इसमें वो ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। बाकी तो यार कार चलाने में बहुत अच्छी है, पेट्रोल है और एवरेज भी ठीक ठाक दे रही है यार, 16.4 का शो कर रही है। हाँ, और आप इसे रेव करके देखो, आपको पिकअप कैसे लग रहा है? पिकअप इज गुड, पिकअप इज गुड। कोई पावर लाएगा या फिर आपको लग रहा हो अंडर पावर है? बट ये चीज़ है सहज, आई डोंट नो, आप ट्राई, आप कार ड्राइव कर रहे हो, यू नो इट बेटर। सो कार में जो ये इसके आरपीएम्स हैं, जब मैंने अभी देखा ये ऑलमोस्ट 70 पे 2000 आरपीएम मार्क आगे जा रही है उससे। सो ये आई डोंट थिंक 80-90 पे बहुत ज्यादा एवरेज देती होगी, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी तक जितनी मैंने कार्स ड्राइव की हैं, सो अगर आप अंडर 2000 आरपीएम उसे ड्राइव करते हो, सो यू विल गेट द बेस्ट माइलेज आउट ऑफ इट। करेक्ट। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 80 पे चलते हो तो करेक्ट 2000 आरपीएम पे चलेगी। अच्छा, आप वो ट्राई भी कर सकते हो। सो लेट्स, बट अगर आप उससे ऊपर जाते हो 80 से, जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपका माइलेज ड्रॉप होता है। ओके,
मतलब अगर आपको ये मतलब मैं जो माइलेज निकाल रहा हूँ वो 18 सस्पेंशन बहुत स्टिफ है इसका। हाँ एसयूवी की वजह से दिया हुआ है, मतलब अगर आप हाईवे पे चलते हो कोई गड्ढा आता है तो मुझे बेनिफिशियल लगता है वो। On 80, the RPM is on 2500. Okay. So 2500 RPM पे 80 की स्पीड पे चल रही है। And so just मैंने अभी चेक किया, so ये 70 की स्पीड पे 2000 RPM मार्क लेके चल रहा है। और अगर आप 3000 पे जाओगे तो 100 हो जाएगा आपका। Okay. So अभी तक आपने इसकी टॉप स्पीड चेक की है अभी तक? टॉप स्पीड तो मतलब ऐसा कोई हाईवे है नहीं जहाँ पे मैं चेक कर पाऊँ टॉप स्पीड। एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड एज वेल। अरे मतलब सेफ नहीं होता, मुझे पर्सनली नहीं लगता। तो मैं लेके गया हूँ इसे अराउंड पेरिफेरल पे, मैंने 140 टच किया इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए आप चले जाते हो। 100 तो कब आप पहुँचते हो आपको पता नहीं चलता इसमें। सो स्टेबिलिटी का कंसर्न मुझे भी इस कार में नहीं लग रहा है। हाई स्पीड पे 90 चलाई थी तो कार इजीली बहुत इजीली स्पीड भी गेन कर रही है और वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टीयरिंग फीडबैक आपको कैसे लग रहा है? यार वो मुझे पता है, अच्छा नहीं है। फीडबैक अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, काम चल जाता है पर बस। हाँ, मतलब चल जाता है ऐसा है। मतलब मैंने अभी तक ये देखा था मारुति में, तो मारुति में क्या है, मैंने अभी तक जो सुना है और देखा है तो उनके स्टेयरिंग, उनके गेयरबॉक्स और क्लच ये बहुत स्मूथ होते हैं, बट इसका जो स्टेयरिंग है ना बहुत हार्ड है। हाई स्पीड पे इट्स गुड, हाई स्पीड पे मैनेजेबल है, होना भी चाहिए थोड़ा हार्ड, बट यार ये स्लो स्पीड पे भी बहुत हार्ड है। तो इजीली इसे सिटी में ड्राइव करना मेरे लिए तो इजी नहीं है। मेरे लिए अगर मैं स्पेसिफिकली मैं बात करूं, एज आई टोल्ड यू मुझे ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। हाँ। तो उस वजह से मुझे जितने भी फंक्शन चाहिए ना अपनी कार में, दैट हैज टू बी स्मूथ एंड इजी टू यूज। और अगर आप हाई स्पीड पे जाओगे तो ये और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये चलता है तो उस टाइम पे? हाँ नहीं चलता है मुझे हार्ड है। तो हैबिट हो गई है वैसे इसकी तो मुझे अब नॉर्मल लगता है। हो गई होगी आपको ये ऑलमोस्ट, आप 9000 किलोमीटर चला चुके हो यार कार को। बट हाँ स्टेयरिंग, जैसे अगर मैंने टाटा की कार्स भी चलाई हैं और हुंडे की चलाई हैं तो उनका फीडबैक और वो बहुत काफी लाइट रहते हैं लो स्पीड पे, वो चीज मिसिंग है यहाँ पे। सो ह्युंडई में एक चीज है कि ह्युंडई में भी एक प्रॉब्लम है। अब जैसे इसमें हार्ड है तो हार्ड ही है, उसमें स्मूथ है तो स्मूथ ही है। आप अगर आप मेरी अल्ट्रोस एक बार ड्राइव करके देखना, ठीक है? सो अल्ट्रोस का जो स्टेयरिंग है वो स्लो स्पीड पे ना बहुत ईजी है, तो बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है। और जैसे ही आप हाई स्पीड पे जाओगे वो उसी हिसाब से स्पीड भी, उसका जो वेट है वो उसी हिसाब से वो गेन कर लेता है। ओके तो ये एक इशू मुझे लग रहा है इस कार में। इसके अलावा आपको कुछ लगा हो जो तो खराब हो या अच्छा लगा हो बहुत? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कार तो बहुत अच्छी है यार। मानसी जी आपका भी एक चैनल है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे सबको? सो यस, मेरा चैनल है बाय द नेम V2 Cars। ओके, सो इट इज WAY, 2 इज न्यूमेरिक एंड Cars CARS। सो उस पे आप सारे कंटेंट देख पाओगे रिलेटेड टू माय अल्ट्रोस, मेरा बाइंग एक्सपीरियंस, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स एंड एसेसरीज विच आई इंस्टॉल्ड इन माय कार, कौन सा मैंने मॉडल परचेज किया है एंड माइलेज टेस्ट प्रॉब्लम्स, यू विल गेट एवरीथिंग एंड ड्राइव रिव्यू एज वेल। तो गाइज प्लीज चेक आउट करना इनका चैनल, मैं भी फॉलो करता हूँ काफी टाइम से इनको और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और मतलब आपकी अगर कोई क्वेरीज भी हैं टाटा की कार्स को लेके स्पेसिफिकली, तो आप हिमांशु जी से कनेक्ट कर सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, उनके चैनल पे आपको, क्योंकि इनके पास दो कार्स है टाटा की, टियागो एंड अल्ट्रोस। करेक्ट। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, पास मैनुअल में है, दैट इज XT मॉडल, और डिस्क्रिप्शन में सहज आपको लिंक भी दे देंगे मेरे चैनल का, सो यू कैन चेक इट आउट। मैं पिन कर दूंगा इनका लिंक और इंस्टाग्राम आईडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज आप सब्सक्राइब करना
जैसे मैंने बोला था मैं पूरा ट्राई करूंगा कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का कंटेंट लाऊं आपके लिए, जैसे अभी ट्रैवलिंग के लिए और कार्स का, क्योंकि मेरी कार भी है और हिमांशु जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम कनेक्ट करेंगे और अपनी कार चलवाएंगे, देखते हैं उन्हें कैसी लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड हेल्दी।